इंटीरियर टाइप्स ऑफ हाउस का है हमारा, छोटी हट, अपार्टमेंट, बोट हाउस, ट्री हाउस, इग्लू, टेंट और ये फ्लोटिंग हाउस। तो सारे आपने वो दे दिए? हाँ सर, वो है असल अभी तो बच्चों की बुक के हिसाब से तो कुछ भी नहीं छूटा है सर। इसे हम कई सारे विषय पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड हेड में इंग्लिश में बता सकते हैं बच्चों को, हेड मतलब झोपड़ी को हेड बोलते हैं। फिर सर अगर मैथ्स में जाते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज बता सकते हैं, ये सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, ठीक है सर, ये अष्टभुज है, एक दो ये। और सर अगर हम फिफ्थ सिक्स में जाते हैं तो उसको जलवायु से जोड़ सकते हैं कि कहाँ की जलवायु कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम घर बनाए हैं, वहाँ पर हम कैसे रहेंगे, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। और टेंट पे जाते हैं तो सर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे आर्मी जो है वो टेंट लगा करके हम लोग मतलब काम करते हैं। अच्छा है, अच्छा है। भूकंप के समय? हाँ सर, भूकंप के समय जी। सर ये फ्लोटिंग हाउस है, बाढ़ आ जाए सर ये वर्किंग है, पानी भरूंगी तो ये ऊपर अभी फ्लोट अच्छा, करेगा, पानी में भी आपका ये चलेगा। जी जी जी, जहाँ बाढ़ आ जाती है उसी के जी। सर मुझे पैनल नहीं मिल पाया इतने शॉर्ट टाइम पे, अदरवाइज वहाँ पे वो भी डिस्क्राइब कर सकते थे कि लाइट चली गई तो फिर हम सोलर से भी काम कर सकते हैं। बताते हैं बच्चों को? हाँ सर, ब्लू बर्फीले इलाकों में ये क्या बनाया बेटा बताइए।